टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर हरभजन सिंगने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, पण आता हरभजन सिंग राजकारणात एंट्री करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे। पंजाब विधानसभा निवडणूक आणि हरभजन सिंगची निवृत्ती हे टाइमिंग एकत्रच असल्याने हरभजन राजकारणाच्या मैदानात उतरणार का यावर सोशल मीडियावरती सवाल विचारले जात आहेत। याबाबत हरभजन सिंगशी झी न्यूजचे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी यांनी खास बातचीत केली। त्यावेळी राजकारणातील चर्चांबद्दल हरभजन काय म्हणाला पाहूया। आपकी रिटायरमेंट की जो टाइमिंग है और पंजाब में चुनाव की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली मैच कर रही है, तो क्या लोग बहुत सारे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, क्या आप पंजाब में चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं लगता है मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात पॉलिटिक्स की, मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा ये मुझे खुद को नहीं पता, और आगे आने वाला जो मेरा समय है वो कैसा होगा उसके ऊपर मैंने अभी बैठना है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से वो दिशाएं हैं जिस तरफ मुझे जाना है, आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा करना है जो कि क्रिकेट से भी बड़ा हो। तो ये जो रास्ता है जो आप कह रहे हैं कि चुनेंगे, ये आप आज यकीन से कह सकते हैं कि ये रास्ता विधानसभा की तरफ नहीं जाता? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है अभी, क्योंकि मेरा ये रिटायरमेंट लेने का कोई इससे पंजाब के चुनाव से कोई तल्लक नहीं है उसका, क्योंकि हाँ ये हुआ उस वक्त जब मेरी फोटो शायद शरीफाजी के साथ आई और उसके बाद बहुत सी आवाज उठने लगी शायद ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ। तो इसका मेरी रिटायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। और यह है कि विधानसभा की जो चुनाव हो रहे हैं सब पार्टियों को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा कि वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं मुझे लगता है कि अभी सोचूंगा बैठ के कि मुझे जिंदगी में किस तरफ, किस दिशा की तरफ बढ़ना है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे